नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होडल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होडल सेवा केंद्र से जगजीवन राम चौक, मीन बाजार, कड़िया बाजार, गांधी चौक, हनुमान मंदिर आदि जगह होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर सभागार में संपन्न हुई। शहर में जगह जगह कलश यात्रा पर लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा में शहर व ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मंदिर के मुख्य द्वार पर कलश यात्रा में शामिल महिला और पुरुषों का भव्य स्वागत किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार के कार्यक्रम में भाजपा नेत्री रश्मि रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का पटका व्या पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रश्मि सहरावत ने कहा कि ब्रह्म कुमारी महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माता और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया। इसी कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक व धार्मिक संस्थाओं के बीच में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। किस संस्था के द्वारा हो रहा है ये? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हो रहा है। अपने अपने अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपने अनुयायियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि राम मंदिर तो बन गया है, राम राज्य भी तो लाना है ना, तो शिव परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हुए, शिव परमात्मा की आराधना करते हुए हम इस महाशिवरात्रि पावन पर्व पे एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम सब संस्कार मिलाकर देवी गुणों को धारण करते हुए राम राज्य लाएंगे और हम लाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि राम है जी, श्री राम ने भी शिव परमात्मा की पूजा की थी, तो हम भी शिव पिता को याद करते हुए राम राज्य की स्थापना फिर से करेंगे। वही श्री राम जी, राम राज्य, राम प्रजा, राम प्रथा, यही धर्म का उपकार होगा, हर घर में खुशहाली होगी, यही तो शिव का वरदान होगा। यही पावन पर्व की आप सबको, होडल निवासियों को, पूरे विश्व को ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।